आरबीआई तरफ पेटीएम को नहीं नुआ अपडेट टी आसिला। आरबीआई पदक्षेप नेला पेटीएम पेमेंट बैंक उपरे आउ नुआ ग्राहक सेथिरे जुड़ी पारिबे नहीं, नुआ ग्राहक पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज करी पारिबे नहीं। तबे आरबीआई कौन पाई एई पदक्षेप टी नेला आसंतु आजिर वीडियो रु जानिबा। हाय फ्रेंड्स, मु सुनील स्वागत आपनको चैनल सुनील दलाई को। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को एक जबरदस्त झटका लागिछि। भारतीय रिजर्व बैंक माने आरबीआई पक्षरु एही कटकणा जारी करा जायथिबा जणा पडिछि। एणिकि पीपीबीएल माने पेटीएम पेमेंट बैंक आउ नुआ ग्राहकंकु जुडी पारिबो नाही। आरबीआई पक्षरु एही निर्देशनामा आसीथिबा बेले पेटीएम पेमेंट बैंक आईटी ऑडिट करे जिबाकु कहा जायछि। आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर रे केतो ग्राहकंक बुझो उठाई पारिबो, सेथिरे कोण गड़बड़ी रहिछि, एनेई समस्त प्रकार जांच करा जिबो। गत 2017 मसिया मे मास 23 तारिख रे पेटीएम पेमेंट बैंक रो कार्यारंभ होइथिला। तबे पेटीएम पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक रो लाइसेंस प्राप्त करिबा पई आरबीआई निकट रे आवेदन करिबो बोली जणा पडिछि। बैंक रो प्रतिष्ठाता विजय शेखर शर्मा आसंता जून मध्य रे एही आवेदन करि पारंती। नियम उल्लंघन करिबा कारण रु गत वर्ष आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक उपरे 1 कोटी रो जुरिमाना लागू करिथिला। पेटीएम पेमेंट बैंक को फाइनल सर्टिफिकेट प्रदान करिबा पूर्वरु आरबीआई पक्षरु जांच करा जायथिला। तबे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट रो धारा 26(2) उल्लंघन करिथिबा जणा पडिबा परे आरबीआई एही पदक्षेप नैथिला। तबे आपण माने कौ पेमेंट ऑप्शन यूपीआई व्यवहार करंती, पेटीएम ना गूगल पे ना फोन पे, कमेंट रे लिखि निश्चय जणाइबे। एवं जो माने फीचर फोन छोटो फोन व्यवहार करंती सेमानंकु यूपीआई तरफ रु बड़ो अपडेट टी आसीची, सेमाने बिना नेट रे छोटो फोन रे यूपीआई यूज करि पारिबे। केमिति यूज करिबे जानिबा पई बामो साइड भिजिट कु देखंतु।